एक मिनट, पहले दूध उतार ले हम। उतार लो, लेकिन हम ऐसा हलवा बनाएंगे कि तुम हमारे मिस्टर के दिमाग से उतर जाओगी। हाँ, उतारो। अब कर ले हम कढ़ाई गैस पे। अब घी डाल दीजिए, कढ़ाई में घी डाल दीजिए। घी किधर है? इधर तो नहीं है। हटोगी? घी ले लें हम। ससुरा एकदम असली है। अब घी गरम होने के बाद उसमें सूजी डाल दीजिए। कब पगलैट होगा? अब घी गरम कैसे होगा जब लिखोगे नहीं कि गैस ऑन करना है? अरे पगलैट भाई। गरम हो। घी होने के बाद उसमें सूजी। अभी सूजी किधर है? सूजी। यहां बैठी हो और हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। ये हुआ ना बात। अब सूजी को भुनिए, उसके बाद पानी और चीनी डाल दीजिए। पानी और चीनी। अब चीनी का चीन में रख दिए का। मैडम, अगर आपका हो गया हो तो चीनी जो है हम ले ले। उका है ना, आज हम अपने मिस्टर के लिए ना सूजी का हलवा बना रहे। ले ले। लगता है इतना काफी होगा। पानी, बात है रागिनी से, क्या खुशबू आ रही है। अब इसमें बादाम डालो। बादाम। लगता हमारे मिस्टर आ गए। आज तो बहुत है, गर्मी था, बहुत थक गए हम। हाँ, पर दर्शन करके अच्छा लगा ना। अरे दुलारिया, अरे पानी लाओ भाई। दादी जी, हमारे मिस्टर नहीं आए? अरे तुम्हारे मिस्टर थोड़े गए थे हमारे साथ जो वो आएंगे। अरे हाँ, ये लो प्रसाद। अरे विशु और सृष्टि कहाँ है? उनको भी प्रसाद देना है। ये है दादी। अरे आजा। ये ले। इलो बहुरिया प्रसाद। अरे दुलारिया, कहाँ रह गई? दिव्या, इलो प्रसाद मंजी में रख दो। आज दुर्गा मैया का दर्शन बहुत बढ़िया से हुआ। हमें पूरा यकीन है कि आगे भी सब बहुत अच्छा होगा। जिस घर में लोगों के दिमाग में गंदगी हो, वहां कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे बताएं बुआ को कि काका खेला हुआ है यहाँ? हाँ, पूरा बताएंगे कि काका हुआ है।
चाचा कैच। अरे बहुत थका दिए लोग बिशु, बाद में खेलते हैं। ये लो अगेदा बल्ला निकाल के रखो, खेलेंगे। चलिए हम सबके लिए जल्दी से खाना बना देते। काकी आप भी थक गई होंगी, आप जाकर आराम कर लीजिए, आज खाना हम बना देंगे। हम भी खाना बनाकर आते हैं। भाभी हमारे लिए रबड़ी और जलेबी भी बनाना। ठीक है देवर जी। फुगाई जो मुस्कान है ना तुम्हारे चेहरा पर, जब ही जानोगी कि तुम्हारे पीछे का खेला हुआ है तो ऐसा भट जाए। का ऐसा का हो गया? हमें तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जहां तक बात विशु की है तो वो कैसे भी हो तुमसे ज्यादा समझदार है। दरअसल तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बीच में कुछ कमी है, और जिनके खुद के रिश्ते में कुछ कमी होती है वही जाकर दूसरों पर उंगलियां उठाया करते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर हम हमारे मिस्टर को ना हमारा दीवाना बना देंगे। क्या बात हो गया भाई, सब इतना परेशान कहाँ हैं? आप जो पेड़ लगाए हैं ना वो फल दे रहा है, इसलिए सब परेशान है। अभी का दिखाने के लिए अपनी देर से इतना पीछे पीछे नचा रही है हमें? आज तुम्हें कुछ दिखाना और चखाना भी है। एक मिनट। सूजी का हलवा, अभी से खा के बताओ कि ये कैसे बना है। पता है हम अपने हाथों से बनाए हैं ये। भाभी रहने दीजिए ना, हमें पढ़ने भी जाना है, और आपने बनाया तो एकदम अच्छा ही बना होगा। हम जानते हैं तुम क्यों नहीं खा रही हो, हम उस दिन खाना अच्छा नहीं बनाए थे इसलिए ना। अरे पर आज हम किताब में से पढ़ के बनाए हैं, थोड़ा सा चखो ना। अब आप इतना कह रही हैं तो खुद ही खिला दीजिए। अच्छा नहीं बना का? हाँ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा बना है। ये हलवा नहीं मोहन भोग है, मोहन भोग। अब तुम देखना ये भोग जब हमारे मोहन को लगेगा ना तो उनका गुस्सा फुर हो जाएगा और हम पे प्यार जाग जाएगा। अच्छा भाभी हलवा तो बहुत ही अच्छा बना, अब हम चलते हैं, हमें पढ़ने जाना और भैया भी आने वाले होंगे तो अब हम जाते हैं। ठीक है। अब इसको कहाँ रखे जिससे ऊका नजर सीधा इस हलवे पे पड़े और बिना कुछ पूछे ये पूरा हलवा खा ले। यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखना ठीक होगा का? पता चले वहां से आए और सीधा सो गए, यहाँ नजर ही ना पड़े। यहाँ रख देते हैं। अगर आके सो गई यहाँ भी नहीं देखा तो एक काम करते हैं, सीधा नीचे ही रख देते हैं ना। हाँ यहाँ सबसे ठीक रहेगा। अब जल्दी से आ जाए बस। लेकिन ये रह कहाँ गए आज?
बनाए हैं सूजी का हलवा और बहुत अच्छा भी बना है सही में। जान पे खेल जाओ, जमीन ऊपर नीचे कर दो, लेकिन इनके मुंह से एक एक तारीफ का बोल नहीं फूटेगा। लेकिन ई अगर चींटी भी मार देगी ना, तो इनको लगेगा कि पहाड़ तोड़ के ले आई है। में लग रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने किए का माफी नहीं मांगेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। सुनिए, हमें आपसे कुछ कहना है। अरे जल्दी के काम में इतनी देरी काहे लगा रहे हो? अरे जल्दी आओ नारद, कहाँ रह गई हो? पूनम, अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर आओ ना। आइए आइए। आ गए दीदी जी, ये है नए मास्टर जी। बहुत गजब अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अब पूरा 14 तक पढ़े हैं। अंग्रेज लोग भी इनसे अंग्रेजी में बतियाने में डरता है। कब बात कर रहे हैं? सच कह रहे हैं, अभी देखिए। मास्टर जी बताइए अंग्रेजी में के खुट्टा पकड़ के खड़ा हूँ। अच्छा छोड़िए, और हम इनको पूरा बता दिए हैं कि 15 दिन से ऊपर 15 सेकंड भी नहीं है हमारे पास। और अगर दीदी जी अच्छे से अंग्रेजी बोलना नहीं सीखी तो आप जो अंग्रेजी बोलते हैं ना वो भी भूल जाइएगा। ये इतनी सुबह बुक क्यों लेकर आई? बाद में भी तो दे सकती थी ना, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। वो क्या है ना सृष्टि जी, एक गलती कर चुके, दोबारा रिस्क नहीं उठाना चाहते थे तुम्हें नाराज करने का। वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की डायग्राम वाली किताब तुमने हमसे काहे मंगाई? अब का इलेक्ट्रिशियन बनना है तुम्हें? हाँ ऐसे ही समझो, ये किताब किसी के माथे का दाग धोएगी। रागिनी दीदी जी, हम आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाएंगे। उका है? हमें ये नारद जी से
बहुत डर लगता है, बहुत टॉर्चर करके लाए हैं यहाँ हमको। अरे तुम कहाँ किए मास्टर जी के साथ, पगला गए हो का पगलेट? अरे ये जो मास्टर जी होते हैं ना, अरे बहुत आदरणीय होते हैं, इनसे कैसे तुम बात कर लिए बदतमीजी से। अरे चलो माफी मांगो, अभी याद रखना ये हमारा जिंदगी का मामला है, कौनो जबरदस्ती नहीं चलेगी, समझे? दीदी आपका मामला है तो हम माफी मांग लेते हैं सारी। इट इज ओके। अब मास्टर जी, अब आप इन्हें माफ कर ही दिए ना, तब हमारी जो है ना एक बात ध्यान से सुनिए, हमें ऐसा अंग्रेजी सिखाइए, ऐसा अंग्रेजी सिखाइए कि फिर कोई हमसे ना अंग्रेजी में कभी बकैती ना कर सके। अब तुम देखती रहो कानून की देवी, काहे कि अब बोलने का मौका जो है हम तुम्हें देंगे नहीं, और बहुत जल्दी ना हमारा और हमारे मिस्टर के रिश्ते का उदाहरण पूरे जिला में दिया जाएगा। उका कहते हैं बेस्ट जोड़ी, बेस्ट जोड़ी कहेंगे सब हमें। हाँ अरे मास्टर जी निकालिए किताब, पढ़ाइए हमें। पूरी चाय बिस्किट है ना, ये आप ही के लिए मंगवाए हैं, खाइए। देखिए मास्टर जी, उका है ना, अगर आप हमें अच्छे से अंग्रेजी सिखाएंगे ना, तो आपको ये नारद है ना इसे डरने का कोनो जरूरत नहीं है। अरे हम तो कहते हैं नारद ही क्यों, आपको ना किसी से डरने का जरूरत नहीं है। ये हमारा ना आपसे क्या कहते हैं पिरामिस, ये हमारा आपसे पिरामिस है। क्या है पिरामिस? समझ गए ना जी रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अभी जो अंग्रेजी का है श्री गणेश करते जी। व्हाट आर यू डूइंग लिखिए। का व्हाट आर यू डूइंग मतलब का है तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग यस, ये तो बहुत ही आसान है ना, कुछ और पढ़ाइए हमें। हाँ। फिर भी लिखते हैं इसको। जी अगर हमें अपने मिस्टर के लिए जो है चाय बनाना हो तो उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई एम मेकिंग टी फॉर माई हस्बैंड। आई एम मेकिंग टी मेकिंग टी